Welcome to Tech Unlock. In this video, we are going to start our next point, which is data concepts. Okay, or we can also say it as concepts of data in C. Okay, so the first point is learning C is as same as learning any natural language like English. तो यहाँ पे देखिए, कोई भी आपकी natural language हो, like आपकी हिंदी हो, English हो, तो उसे सीखने के लिए जैसी प्रोसेस होती है तो सिमिलरली आपकी सी लैंग्वेज की भी एक प्रोसेस होती है. ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, व्हाइल लर्निंग एनी लैंग्वेज नोइंग दैट द अल्फाबेट इज फर्स्ट स्टेप आफ्टर दैट वर्ड्स आर क्रिएटेड. ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको कोई भी लैंग्वेज अगर सीखनी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंग्लिश लें तो ए बी सी डी, हमें जो भी अल्फाबेट है ए से लेकर जेड तक, वो सभी हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, यानी सीखने पड़ेंगे. आफ्टर दैट वर्ड्स आर क्रिएटेड. ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, आपका वर्ड बनता है. ठीक है, एक सिंगल वर्ड आर क्रिएटेड यूजिंग दोस अल्फाबेट. देन कलेक्शन ऑफ वैलिड वर्ड्स मेक अ सेंटेंस. ठीक है, वैलिड वर्ड्स का मिलके क्या बनता है, आपका सेंटेंस बनता है. ठीक है, ये आपको पता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक सेंटेंस है आपका, ये पूरा, तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ, तो ये कलेक्शन ऑफ वैलिड वर्ड्स से मिलके क्या बना है, ये सेंटेंस बना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एंड कलेक्शन ऑफ वैलिड सेंटेंस मेक अ पैराग्राफ. ठीक है, और कलेक्शन ऑफ सेंटेंस से मिलके क्या बनता है, आपका पैराग्राफ बनता है. मतलब सपोज ये मैंने कंटिन्यूसली अगर लिखा तो ये बड़ा क्या हो जाएगा, पैराग्राफ बन जाएगा. तो सिमिलरली आप किसी लैंग्वेज भी क्या करती है, सर्टन स्पेसिफिकेशन फॉलो करती है. तो वो कौन से है, तो यहाँ पे हमने अभी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस देखी. ठीक है, अल्फाबेट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लर्न करने पड़ते हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट कैन क्रिएट द वर्ड्स, the collection of words you make or create the sentence, and the collection of sentence can be represented as a paragraph as well. Okay, so this is the process for the English language. But in the C language, character set is there. ठीक है, character set यहाँ पे आता है. character set मतलब क्या है, यहाँ पर भी आप क्या करें, alphabet consider करें. ठीक है, हम इसे detail में आगे देखेंगे. simply यहाँ पे concept समझ लीजिए कि process कैसी होती है, C language learning process. ठीक है, character set से, collection of character set से हमारा क्या बनता है, एक word बनता है, जिसे हम उस particular word को क्या हम कह सकते हैं, keyword कह सकते हैं, identifier कह सकते हैं, variable कह सकते हैं, या constant भी कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हर एक word का meaning अलग है. ठीक है, उनकी category है, कीवर्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, तो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, इसके सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हम आगे देखेंगे. सिंपली यहाँ पे इतना जान लीजिए कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर से मिलके आपका क्या बनता है, यहाँ पे एक वर्ड बनता है जिसे हम कीवर्ड कह सकते हैं, आइडेंटिफायर, वेरिएबल या कॉन्स्टेंट कह सकते हैं. ठीक है, अब इनके कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, इंस्ट्रक्शन बनता है. ठीक है, लेकिन ये कैसे होने चाहिए, आपके वैलिड होने चाहिए. ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, देखिए, व्हाइल लर्निंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज Knowing the character set is the very first step. ठीक है, character set आपको पहले मालूम होना चाहिए, मतलब कौन से character आपको use करने हैं, वो आपको पहले learn होने चाहिए, मतलब पता होने चाहिए simply. After familiar with character set, keyword, identifier and variable, first of all आपको character set मालूम होने चाहिए first step में. ठीक है, और उन्हीं character set की मदद से हम क्या बनेंगे, keyword बनाएंगे, identifier बनाएंगे, variables बनाएंगे and constant are created. ठीक है, constant क्या होंगे, create होंगे. ये क्या है, आप separately term देखेंगे इसके हर एक की. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ concept समझ लीजिए, using this character set. ठीक है, character set से हम ये different terms क्या करेंगे, derive करेंगे. नेक्स्ट देखिए, एंड इंस्ट्रक्शन इज मेड अप ऑफ वैलिड सेट ऑफ कीवर्ड्स. ठीक है, और आपकी इंस्ट्रक्शन किससे बनी होती है, इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ आपके वर्ड्स आ सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड एंड आइडेंटिफायर और वेरिएबल आ सकता है, और कॉन्स्टेंट आ सकता है. ठीक है, जिससे आपका क्या बनेगा, एक इंस्ट्रक्शन बनेगा. ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन क्या करता है, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन क्या करेगा, यहाँ पे परफॉर्म करेगा. और आपके प्रोग्राम में क्या होगा, फिर यन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एन इंस्ट्रक्शन इज मेड अप ऑफ वैलिड सेट ऑफ कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड वैलिड सिंबल्स. ठीक है, वैलिड सिंबल और इन सभी टर्म्स की मदद से आपका एक इंस्ट्रक्शन बन सकता है. और आपका प्रोग्राम क्या होगा, फिर प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो मैंने अभी बताया. ठीक है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन के, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन की मदद से आप क्या करेंगे, प्रोग्राम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे. ठीक है, प्रोग्राम, एक सिंगल प्रोग्राम. और आपके ऐसे अगर मल्टीपल प्रोग्राम होंगे तो उसको अगर हमने बंडल किया तो वो क्या बन जाता है, आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है. लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ सी लैंग्वेज कंसेप्ट देख रहे हैं, यानी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे प्रोग्राम तक ही देख रहे हैं. ठीक है, तो वही तक फोकस कीजिए. इन अ पैराग्राफ एवरी इंडिविजुअल वर्ड एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर नोन एज टोकन्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब आपके पैराग्राफ में हर एक इंडिविजुअल वर्ड, मतलब हर एक इंडिविजुअल टर्म
जिसे हम क्या कहते हैं, टोकन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है, टोकन से डिनोट करते हैं। सिमिलरली जैसे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में टोकन से डिनोट करते हैं, सिमिलरली आपके दैट इन सी एवरी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज टोकन। ठीक है, कोई भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट हो प्रोग्राम का तो उसे भी हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। ठीक है, हम इसके बाद एक स्मॉल प्रोग्राम देखेंगे और एक एक टोकन में आपको क्या करूंगा, उससे डिराइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब सेपरेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपली कंसेप्ट समझ लीजिए, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज नथिंग बट टोकन। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, लेट सी कैरेक्टर। तो फिर कैरेक्टर क्या है हमारा, सी लैंग्वेज में हम देख रहे हैं तो कैरेक्टर में आपका क्या होगा, आपकी सी लैंग्वेज किसका इस्तेमाल कर रही है, इंग्लिश का इस्तेमाल कर रही है, तो इंग्लिश के कैरेक्टर ही इसमें क्या होंगे, कैरेक्टर आएंगे। ठीक है, मतलब इसमें अल्फाबेट, इंग्लिश के अल्फाबेट ही इसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखिए, इट इंडिकेट्स एनी अल्फाबेट डिजिट्स और स्पेशल सिंबल। ठीक है, अल्फाबेट भी आ सकते हैं, डिजिट यानी आपके 0 से लेके 9 तक कोई भी आ सकता है, और स्पेशल सिंबल भी होते हैं। ठीक है, आपका डॉलर का साइन हो गया, हैश का साइन हो गया, या फिर आपका लेस देन का साइन हो गया, ग्रेटर देन का साइन हो गया, जो भी है ये सभी किस में आते हैं, आपके स्पेशल सिंबल में आते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, मतलब उसका स्पेसिफिक मीनिंग होता है इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ओके ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टर सेट इन सी। ओके, कैरेक्टर सेट इन सी, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, सी लैंग्वेज यूजेस द नंबर ऑफ कैरेक्टर टू डेवलप अ प्रोग्राम। सी कैरेक्टर्स सेटअप इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। तो यहाँ पे देखिए, ओके, तो सी लैंग्वेज क्या करती है, आपकी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या करती है, यूज करती है प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। ठीक है, सी कैरेक्टर सेट किससे बना होता है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट थिंग्स है जिससे आपका सी कैरेक्टर सेट बना होता है, सिमिलर टू आवर इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये सी लैंग्वेज भी क्या है, इंग्लिश का यूज करती है, तो उसके कैरेक्टर सेट भी किससे बने होंगे, ऑब्वियसली इंग्लिश से ही बने होंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पॉइंट है अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, तो अल्फ़ाबेट में क्या आएंगे, आपके अपर केस लेटर आ सकते हैं और लोअर केस लेटर आ सकते हैं। तो अपर केस में देखिए, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट है वो सभी क्या होंगे, इसमें आएंगे। उसके बाद देखिए लोअर केस में, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक सभी क्या होंगे, यहाँ पे कैरेक्टर मतलब यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, मतलब सेकंड थिंग है डिजिट्स। अब डिजिट भी यहाँ पे आ सकते हैं आपके कैरेक्टर सेट में। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिट आपको पता है 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट यहाँ पे वेरी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड टर्म है यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, दिस सी कैरेक्टर सेट इंक्लूड्स फॉलोइंग स्पेशल सिंबल्स गिवन इन टेबल। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्पेशल सिंबल है, तो यहाँ पे वन बाय वन हम देखते हैं। यहाँ पे स्पेशल सिंबल का साइन दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए उसका नेम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन क्या है, यहाँ पे टिल्ड कैरेक्टर या टिल्ड स्पेशल सिंबल यहाँ पे दिया है फर्स्ट, उसके बाद देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसके बाद एट द रेट साइन हम जो ईमेल में यूज़ करते हैं एट साइन, उसके बाद देखिए हैश यानी आपका नंबर साइन है, उसके बाद डॉलर साइन है, परसेंटेज साइन है, कैरेट साइन है, एम्परसेंट साइन है जो हम एंड के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए एस्टेरिस्क है, यहाँ पे स्टार का सिंबल आपको पता है। नेक्स्ट देखिए लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, इसे हम सर्कुलर ब्रैकेट भी कहते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके बाद देखिए अंडरस्कोर, उसके बाद देखिए माइनस। ठीक है, माइनस और अंडरस्कोर में डिफरेंस है कैसे, तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने यहाँ पे रोल नंबर में, अगर यहाँ पे अंडरस्कोर क्या होता है आपका नीचे आता है, और माइनस क्या होता है यानी डैश क्या होता है आपका ऊपर आता है। ठीक है, तो ये अंडरस्कोर आपको पता होगा, ईमेल आईडी में जनरली हम क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्लस साइन है, उसके बाद इक्वल्स टू साइन है। नेक्स्ट देखिए वर्टिकल बार है, बैक स्लैश है, उसके बाद लेफ्ट ब्रेस एंड राइट ब्रेस, या इसे हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए लेफ्ट ब्रैकेट एंड राइट ब्रैकेट, ठीक है, या इसे हम स्क्वेयर ब्रैकेट भी कहते हैं। देन उसके बाद है कोलन, ठीक है, डबल डॉट यानी कोलन, डबल कोटेशन मार्क है, यहाँ पे सेमी कोलन है, सिंगल कोटेशन मार्क है, लेस देन साइन है और ग्रेटर देन साइन है, या इसे हम कहते हैं ओपनिंग एंगल ब्रैकेट एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, इस नाम से भी इसे बुलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मार्क है, कॉमा है एंड फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश एंड बैक स्लैश आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पे देखिए पॉइंट है, पॉइंट यानी इसे पीरियड कहते हैं या सिंपली हम इसे डॉट कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सभी क्या है आपके स्पेशल सिंबल में बिलोंग करते हैं, और इन सभी की मदद से हम क्या करते हैं, कैरेक्टर सेट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल अ कीवर्ड, फॉर एग्जांपल अगर हम कीवर्ड ले तो यहाँ पे देखिए वॉइड क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया कीवर्ड का, डू क्या हो गया एग्जांपल हो गया, स्ट्रक्ट क्या हो गया एग्जांपल हो गया, इसका एक अलग मतलब है, इसका एक अलग मीनिंग है। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे कीवर्ड्स में, ये देखेंगे हम कि वॉइड क्या करता है, डू क्या करता है, स्ट्रक्ट क्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एन आइडेंटिफायर, फॉर एग्जांपल आइडेंटिफायर भी इसमें आ सकता है, फॉर एग्जांपल फंक्शंस,
नेम, सब टर्म यहाँ पे आएंगे आपके, ठीक है। सी लैंग्वेज में जितने भी अलग अलग टर्म्स हैं आपके सभी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि सभी किससे बने होंगे, ऑब्वियसली आपके अल्फ़ाबेट से, या तो डिजिट से, या फिर आपके स्पेशल सिंबल से, इन तीनों में से ही किसी से बने होंगे, या सिंपली दोनों का कॉम्बिनेशन या तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टर्म से हम क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिफायर हो सकता है, फंक्शन नेम है, फंक्शन अंडरस्कोर नेम, उसके बाद वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, उसके बाद देखिए कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यानी फिक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है न्यूमेरिकल, यहाँ पे देखिए 5 है, 0.25 है। उसके बाद स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल देखिए डबल कोटेशन में हम स्ट्रिंग देते हैं जनरली, मतलब यहाँ पे सी प्रोग्राम में हम जब भी स्ट्रिंग देते हैं डबल कोटेशन मार्क हमें लिखना पड़ता है, तो डबल कोटेशन में ही हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग पास करते हैं। तो हेलो हो गया, वर्ल्ड हो गया, उसके बाद ए हो गया, ये क्या है आपकी स्ट्रिंग है। नेक्स्ट देखिए सिंबल, सिंबल कौन से, अभी हमने बहुत सारे सिंबल देखे, उन्हीं में से कुछ एग्जांपल लिए हैं, लेफ्ट ब्रैकेट यानी लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, यहाँ पे नंबर साइन है, यहाँ पे सेमी कोलन है, यहाँ पे लेफ्ट ब्रेस है, और यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, ठीक है, यानी प्लस साइन का सिंबल है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, तो एग्जांपल क्या होगा, सिंपली हम यहाँ पे सी प्रोग्राम का एक एग्जांपल देख रहे हैं, सी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम, ठीक है। तो एक प्रिंट एफ क्या है, ये एक फंक्शन है, या इसे हम आउटपुट फंक्शन भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, आपके टर्मिनल पर सिंपली क्या करता है, या आपके आउटपुट स्क्रीन पर क्या करता है, जो भी डबल कोटेशन में हमने स्ट्रिंग पास की है वो सिंपली क्या करता है, हमें डिस्प्ले करता है जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है। इसके पहले कुछ हेडर फाइल्स हमें लिखने पड़ते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, एंड ये हमें मेन फंक्शन में लिखना पड़ता है, वो प्रोग्राम का फॉर्मेट हम बाद में देखेंगे। सिंपली ये एक स्टेटमेंट याद रखिए, ठीक है, ये स्टेटमेंट देखिए, प्रिंट एफ लिया है, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है यानी पैरेंथेसिस है। नेक्स्ट देखिए हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड क्या किया है, यहाँ पे डबल कोटेशन में पास किया है, और यहाँ पे स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए यहाँ पे सेमी कोलन दिया है, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है ये भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए हियर दिस स्टेटमेंट हैव 5 टोकन्स, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, टोकन्स की कंसेप्ट देख रहे हैं। टोकन्स हम किसे कहेंगे, तो यहाँ पे इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एक कोई भी इंडिविजुअल यूनिट हो आपके प्रोग्राम में, उसे हम क्या कहेंगे, टोकन कहेंगे। यहाँ पे देखिए सी टोकन्स आर डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी प्रोग्राम्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, यानी प्रिंट एफ क्या हो गया आपका एक टोकन हो गया, ये क्या हो गया ओपनिंग ब्रैकेट क्या हो गया आपका सेकंड टोकन हो गया यानी लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद देखिए ये स्ट्रिंग क्या हो गया आपकी थर्ड टोकन हो गया, डबल कोटेशन में जितनी भी आपका स्ट्रिंग होंगे यानी जितने भी आपके कैरेक्टर्स होंगे वो सभी क्या होंगे आपके एक टोकन होगा, ठीक है, क्योंकि डबल कोटेशन ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक जितने भी यहाँ पे आपके वर्ड आएंगे वो सभी क्या होंगे एक स्ट्रिंग में आएंगे। नेक्स्ट देखिए राइट पैरेंथेसिस है, उसके बाद देखिए सेमी कोलन है, तो इस एक स्टेटमेंट में कितने टोकन्स आ गए आपके, टोटली 5 टोकन्स आ गए, ठीक है, समझ में आ रहा है। ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी प्रोग्राम, बट कौन से होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, ठीक है, वैलिड होने चाहिए, मतलब वैलिड इंडिविजुअल यूनिट ही हम क्या करेंगे यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए अब ये सी टोकन्स हम किसे पास करते हैं, मतलब इसे कौन प्रोसेस करता है आपका, सी कंपाइलर प्रोसेस करता है, कौन करता है, सी कंपाइलर, ठीक है, मतलब ये एज एंड टोकन्स हम किसे देते हैं, मतलब ये कंपाइलर क्या करता है, इसे टोकन्स में डिवाइड करता है और बाद में इसे क्या करता है, रन करता है, ठीक है। डायरेक्टली आपका प्रोग्राम रन नहीं होता, टोकन्स में डिवाइड होता है, बाद में रन होता है, ठीक है। और आपका पता है कि आपका सी प्रोग्राम रन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका सी कंपाइलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स देख लीजिए सी टोकन्स के, सी टोकन्स के टाइप, यहाँ पे सी टोकन्स कैन बी क्लासिफाइड इन 6 टाइप्स, ठीक है, 6 टाइप्स में ये क्या हो रहा है, क्लासिफाइड हो रहा है विथ एग्जाम्पल गिवन। तो यहाँ पे देखिए 6 टाइप मैंने यहाँ पे लिखे है, उसके आगे एग्जाम्पल लिखे है। तो यहाँ पे फर्स्ट है कीवर्ड, ठीक है, ये क्या है हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कीवर्ड देखिए इंटीजर हो गया, व्हाइल हो गया, इफ हो गया, etc, ठीक है, एक्सेट्रा, ये स्टेटमेंट फिनिश करने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है, इफ तक क्या है आपके सभी कीवर्ड है। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या होगा, रोल अंडरस्क्रोल नंबर, बुक अंडरस्क्रोल वन, काउंट, ये क्या होंगे आपके आइडेंटिफायर होंगे। नेक्स्ट देखिए कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वैल्यू कौन सी होगी, 100, 150, या फिर ये भी आप ले सकते हैं 5, 0.25, ठीक है। स्ट्रिंग देखिए डबल कोटेशन में जो भी आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे आपकी स्ट्रिंग होगी, तो यहाँ पे हेलो हो गया, वर्ल्ड हो गया, ये क्या है आपकी स्ट्रिंग। स्पेशल सिंबल आपको पता है सेमी कोलन, उसके बाद ये यहाँ पे देखिए लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, ये सेपरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने कॉमा दिया है, तो ये कंसिडर मत कीजिए। उसके बाद देखिए कोलन है, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑपरेटर्स, ऑपरेटर कौन से होंगे, प्लस साइन का ऑपरेटर है, माइनस का है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का है, उसके बाद डिविजन का है, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी टोकन्स, ठीक है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूनिट विच इज़ वैलिड
देन दैट स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी प्रोग्राम इज नथिंग बट आवर टोकन. ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन आवर सी प्रोग्राम इज नथिंग बट टोकन. ठीक है, तो हर एक हम क्या करेंगे यहाँ पे टर्म इलेबोरेट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे एक एक कवर करेंगे. ठीक है, आपके कीवर्ड्स कौन से हैं, मतलब आपके अलग अलग डेटा टाइप्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कीवर्ड्स में हम देखेंगे ये. ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक यू.